Asians and countrymen. Lennon Yoyos. लेकिन मैं इतनी सीरियस क्यों हूँ? After all, आज हम यहाँ जमा हुए हैं एक सीरियस मामले को डिस्कस करने के लिए. लेकिन मामला है सीरियस खुशी का, ना कि मुंह लटका के. So friends, Asians and countrymen, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने आई जहाँ आपको आने वाले कल फ्यूचर की तस्वीर दिखाई. आने वाले कल की, yes, you heard me right, फ्यूचर की तस्वीर. यानी कि बिजनेस की, व्यापार की, व्यवहार की दुनिया आपसे कैसी होने वाली है, यही सब तो आपको दिखाने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ. आज एक टाइम मशीन में आपको बिठा कर मैं एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पर अब तक पहुँचने का लोगों ने सपना भी नहीं देखा. आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इंटरनेट के जरिए भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली. कौन है ये? इन्हें कहते हैं स्पीक एशियंस. इस नई विचार स्पीक एशिया ऑनलाइन .com की एक भारी सफलता पॉसिबल ही नहीं होती उन लोगों के बिना जो इस बड़े से परिवार को बनाते हैं, जोड़ते हैं, खुद ट्रेनिंग लेते हैं और फिर नए लोगों को सिखाते और ट्रेन करते हैं. जिंदगी में पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने वाले, खुद अपनी जिंदगी सच्चाई से जीकर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले को कहते हैं टॉर्च बेरर. और कुछ ऐसे ही बहादुर सिपाहियों को सलाम करने और जिंदगी में आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए दिल्ली के सूरज कुंड के आलिशान होटल. The welcome address of the delegates was done by the dynamic country head of Speak Asia, Mr. Tarak Bajpai. Thank you, everyone. Sabka bahut bahut dhanyawad aur sabko bahut bahut namaskar, sat sri akal, good morning, salam. Aaj hum Bharat ke har kone mein, har prant mein maujood hain. Speak Asia ka jhanda Bharat ke har prant mein gada hua hai. We are Pan India. लगभग 3 लाख लोगों को कई जरियों से, कई अलग माध्यम से एजुकेट किया है. वो लोग दरअसल में जो कंप्यूटर से दूर भागते थे, वो लोग जो दरअसल में अंग्रेजी को एक हवा समझते थे, आज वही लोग कंप्यूटर खरीद कर उसके ऊपर बैठ कर स्पीक एशिया के साथ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सर्वे भर रहे हैं. ये हमने अचीव किया. इश्तेहार पर आधारित सर्वे शुरू करने वाले हैं. अगस्त के महीने में हमारा खुद का एक टीवी चैनल होगा. आज से 100 साल पहले जिस कंसेप्ट की बुनियाद रखी गई थी उसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग. हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को उसकी परिभाषा वापस देने वाले हैं. यह स्पीक एशिया के माध्यम से संभव करेंगे. हम लगभग इसी पूरे प्रोसेस में दिसंबर माह में 10 मिलियन का साइज टच करेंगे. एक बात सोचिए आपने, अगर ये इंटरनेट ना होता तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन कैसे पॉसिबल होता? इसीलिए इस नए कॉन्सेप्ट को समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इंटरनेट की ताकत, इसके पास्ट और इसके फ्यूचर को समझना. इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन आया है इसका फ्यूचर क्या है? कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जो बाकी सब एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, वो सब खत्म हो जाएंगे. तो आपकी वजह से आज ये कंज्यूमर्स और क्लाइंट्स के बीच की दूरी घटी है. आपकी वजह से आज मार्केट की सच्ची तस्वीर मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंच रही है. आपकी वजह से आज मार्केटिंग और एडवर्टाइज की जरूरत और सूरत बहुत बदली है. कि ये सब संभव ना हो पाता अगर इंटरनेट ना होता. कंज्यूमर इज अ किंग की कहावत आप लोग चरितार्थ कर रहे हैं. स्पीक एशिया ने जिस तरह से कंज्यूमर को एम्पावर किया है, ग्राहक को हक, ताकत और पुरस्कार दिया है, वैसा पहले इतिहास में कभी हुआ ही नहीं. इस अनोखे आंदोलन ने जिस तरह से बड़ी बड़ी जमी जमाई कंपनीज को नई दिशाएं, नए रास्ते दिखाए हैं, दैट इज इनडीड हिस्टोरिक. लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं
जो ना सिर्फ हमें गुड्स और सर्विसेज बेचती है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है। आज अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आप पाएंगे कि फिर से ढेरों तमाम बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेशंस देसी और विदेशी अपनी प्रभुसत्ता हमारे देश पे जमाने की ताक में बैठे हुए हैं। वो अगर आए और फेयर प्रैक्टिसेस से, एथिकल प्रैक्टिसेस से, यानी साफ सुथरे सच्चे तरीके से आके धंधा करें और मुनाफा कमाएं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहां हम सबको यह हक होना चाहिए कि हम इन कंपनियों से सवाल करें, इनकन्वीनियंट मुश्किल सवाल पूछें इन कंपनियों से, हम पूछें कि आप क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और किस कीमत पे बना रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज जब ये एक ऐसा नया विचार आपके सामने आ गया है speakasiaonline.com के जरिए, जहां हमें अपनी बात करने का, प्रश्न पूछने का, अपनी राय ओपिनियन देने का हक है, सामर्थ्य है, शक्ति है। और जिस दिन दोस्तों हमें एका हुआ इरादों का और एक्शन का, उस दिन ये कंपनियां कितनी भी बड़ी हों ये हमसे नहीं लड़ पाएंगी मित्रों। और उस दिन टूटेगी इन कॉरपोरेशंस की गुलामी, उस दिन आएगी असली आजादी। आज स्पीक एशिया ने आपको एक आजादी दी है बोलने की, तो आइए हम यही कह के शुरुआत करें कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ मुड़ जाएंगे हम, रास्ता बन जाएगा।